दोस्तों बिग बॉस 16 के लाइव फीड में इस वक्त घर के अंदर शिव ठाकरे को सुम्बुल ने सबके सामने दी धमकी। शालीन के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी खुशी आई दोस्तों, और यहाँ पे सुम्बुल जो यहाँ धमकी देते हुए नजर आई और उन्होंने मारने तक की धमकी दी है। दोस्तों बता देता हूँ पूरी बात, उससे पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप भी सुम्बुल के फैन उनको पसंद करते हैं, ढेर सा प्यार करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें मालूम चल सके कितने सुम्बुल के फैन से सपोर्टर्स जो उनको ढेर सा प्यार और ढेर सपोर्ट घर के बाहर से कर रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों उनको वोट करने के लिए सेव करने के लिए वोट कर रहे ज्यादा ज्यादा। अगर आपने वोट किया कि नहीं दोस्तों, नहीं किया जाके वोट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों मुझे कि आपने अब तक वोट किया है या नहीं, या आप करोगे या नहीं। चलिए बताता हूँ घर के अंदर आखिर हुआ क्या है अभी। दरअसल दोस्तों यहाँ पे शिव ठाकरे, शालीन, वनोद और सुम्बुल बैठी हुई थी और साइड में जो है अब्दू थे और निमृत बैठे हुए थे। तो यहाँ पे ये सारे लोगों की मस्ती बातचीत हो रही थी, जहाँ पे सुम्बुल को बोलते हुए नजर आए शिव की यार ये तो फालतू में ही कभी भी कूदने लग पड़ती है, कूदने फाने लग पड़ती है, कोई इसका लिमिट ही नहीं है एक्साइट का। कल मेरे को दौड़ा रही थी रात में कि भाई मेरे साथ वॉक कर ले, और अभी देखो कितने शांति से बैठे हुए और मेरे से इतना प्यार से बात कर रही है, ऐसे मानो कि मैंने इसका कुछ किया ही नहीं, इसका साथ दिया ही नहीं। बेसिकली वो थोड़ा मतलब फन वे में बैंटर कर रही थी, नोकझोंक कर रही थी, इसकी वजह से वो बोले कि प्यार से बात नहीं कर रही है, तो सरकास्टिक ताना मारते हुए नजर आए। तो अब बता दूँ आपको, यहाँ पे जब उन्होंने ऐसा बोला तो सुम्बुल ने बोला कि भाई ये लात देख रहा है, मेरी लात जो है तुम्हारी तक पहुँच जाएगी यहीं से, और यहीं से लात मारूंगी तुम्हें। जिसको सुनने के बाद दोस्तों सभी के चेहरे पे हंसी आ गई, खुद शिव भी हंसने लग पड़े। आपका क्या कहना है इन दोनों?